हेलो फ्रेंड्स, अनूठी एस्ट्रोलॉजी में फिर से आपका स्वागत है। कल हमने देखा था कि बुध अगर आपकी कुंडली के पहले चार भावों में हो तो हर भाव में क्या असर देता है। आज हम देखेंगे कि बुध अगर आपके पाँचवें से आठवें भाव तक है तो वो क्या असर आपके ऊपर दिखाएगा। तो आइए देखिए, अगर बुध आपके पाँचवें भाव में है, जो आपका फैमिली हैप्पीनेस या संतान घर है, तो उसमें क्या असर दिखाता है। ऐसे जातकों को बुध एक बड़े मृदुभाषी बनाता है। वो काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं, विटी होते हैं। विटी मतलब जो बहुत ही जल्दी एक किसी चीज़ का व्यंग्य मजाक उड़ा सकते हैं, या उनका दिमाग बहुत तेज चलता है कि हाजिर जवाब जिसको कहते हैं। उनको संगीत पसंद होता है, लेकिन फिर भी वो फिकल माइंडेड होते हैं, मतलब उनका ढुलमुल रवैया होता है, काफ़ी मजाकिया स्वभाव के होते हैं, खुश मिजाज होते हैं। ऐसे जातकों को काफ़ी अच्छी आय होती है अपनी जीवन में, और वो काफ़ी पढ़े लिखे, समझदार और बुद्धिमान होते हैं। उनको ज्ञान काफ़ी होता है, और वो लोग जो है वो कला के प्रति उनका रुझान होता है। हो सकता है उनके कई आय के स्रोत हों। ऐसे जातक जो हैं वो काफ़ी मेहनती होते हैं, उनका सामाजिक स्तर और सामाजिक रेस्पेक्ट काफ़ी होती है, अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करते हैं, और जीवन में अपने मेहनत से ऊपर उठते हैं। आइए अब देखते हैं कि अगर बुध आपके छठे घर में हो, यानी हाउस ऑफ सिकनेस में हो, तो उसका असर आपके ऊपर क्या होता है। ऐसे जातक जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो उनके मन में होता है वही वो बोलते हैं। अभिमानी भी होते हैं, स्वाभिमान अभिमान में बहुत कम फर्क होता है। मेहनती होते हैं, और काफ़ी हद तक वो बहस बहुत करते हैं। ये लोग जो है वो मानसिक तौर पर हमेशा वरिड रहते हैं, तो अपसेट भी कह सकते हैं उनको, क्योंकि उनका मस्तिष्क कभी भी शांत नहीं रहता है। हालांकि वो अपने जीवन में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, फिर भी उनके ऊपर काम का बोझ बहुत होता है, और वो भी ढुलमुल रवैये वाले होते हैं। बुध एक द्विज स्वभाव का ग्रह है, तो उसमें दोनों टाइप की चीज़ें होती हैं, इसलिए ये ढुलमुल रवैया ऐसे जातकों में देखा जाता है। तो ऐसे जातक जो है वो हो सकता है फालतू की चीज़ों पर खर्चा करें, और ज़्यादातर वो चिंता में रहते हैं और काफ़ी दबाव में रहते हैं। ऐसे जातकों के आखिरी दिन में वो काफ़ी अच्छे निकलते हैं, वो काफ़ी खुश रहते हैं, लेकिन अगर वो अपने मातहतों पर, सबॉर्डिनेट्स पर या नौकरों पर ज़्यादा विश्वास करेंगे तो उनको काफ़ी लॉसेस होंगे, और ऐसे जातकों को पार्टनरशिप कभी भी रास नहीं आएगी। तो बिज़नेस के मामले में उनको पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। ऐसे जातकों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, अपच की सुविधा, इनडाइजेशन, आँतों की प्रॉब्लम्स, इंटेस्टाइन रिलेटेड और टेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं। देखते हैं कि अगर बुध आपके हाउस ऑफ मैरिज में, सेवेंथ हाउस में हो, तो क्या होता है। ऐसे जातक जो है वो बातूनी किस्म के होते हैं, उन्हें बातें करना बहुत पसंद होता है। ये लोग भी बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, साफ तौर पर बात करते हैं, बुद्धिमान होते हैं, काफ़ी इनको ज्ञान होता है, काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, बड़े दिल वाले होते हैं, और इनको जो है वो सुख सुविधा, लग्जरी बहुत पसंद होती है। इनको मैथमेटिक्स के प्रति रुझान हो सकता है। काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं अपनी लाइफ में, मतलब जो जीवन में हर चीज़ को बड़े समझदारी से डील करते हैं, अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, सामाजिक तौर पे बड़े प्रतिष्ठित होते हैं, हम्बल होते हैं, मतलब वो काफ़ी जो है वो अच्छे स्वभाव के होते हैं, उनको काफ़ी रेस्पेक्ट मिलती है, और एक बार में एक से ज़्यादा कामों के बारे में सोचते हैं, लेकिन उनके डिसीजंस जो है हमेशा वो डिले करते हैं, उनको डिसीजंस लेने में थोड़ी देर लगती है। काफ़ी मॉडर्न ख्यालों के होते हैं, लंबी लाइफ इनकी होती है, जैसा मैंने पहले बताया कि इनको सुख सुविधा की ज़िंदगी पसंद है, कंफर्ट्स को, सुख सुविधाओं को ये एंजॉय करते हैं, और जो स्त्रियों से संबंधित काम है उनमें इनकी काफ़ी दिलचस्पी होती है, चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बिज़नेस हो, या वो
जो है जैसे ब्यूटी सलून का बिज़नेस हो या उनका साड़ियों का और इस टाइप के लेडीज़ कपड़ों का बिज़नेस हो, इस टाइप के उनके काफ़ी उनको फ़ायदेमंद भी रहता है। अगर ऐसी जातक स्त्रियां हैं तो वो हमेशा जो है वो खूबसूरत होंगी, बहुत ही इंटेलिजेंट होंगी, बुद्धिमान होंगी, और ऐसा जो बुध है वो उनकी जो स्त्रियोचित उनके गुण हैं उनको काफ़ी बढ़ावा देगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि अगर बुध किसी के आठवें घर में हो तो क्या होता है। देखिए, छठा घर, आठवां घर और बारहवां घर अशुभ घर माने जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बुध वहाँ अशुभ होता है। ऐसे जो जातक हैं जिनका बुध आठवें घर में है वो अपनी मर्जी से चलते हैं, अपने मर्जी के मालिक होते हैं, धार्मिक कार्यों में काफ़ी रुचि कर रखते हैं, उनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है, मानसिक तौर पे वो काफ़ी स्वस्थ और काफ़ी मजबूत होते हैं, सौम्य होते हैं और एक अच्छे जो है वो वक्ता भी होते हैं। ऐसे जातकों को अपनी फैमिली के साथ रहना पसंद होता है और वो रहते भी हैं, और ऐसा बुध उनके लिए काफ़ी शुभ होता है। ऐसे जातक जो धन है या उनकी संपत्ति है वो कई सोर्सेस से कमा सकते हैं, और उनको अपने से जो विपरीत सेक्स है, मतलब अगर स्त्रियां हैं तो पुरुषों के प्रति और पुरुष हैं तो स्त्रियों के प्रति, उनको विश्वास भी होता है और उनसे उनको खुशियां भी मिलती हैं। ऐसे जातक जो है वो बिल्कुल न्यायोचित होते हैं, न्याय उनको पसंद होता है, प्रशासन की तरफ से या अपने देश की तरफ से उनको काफ़ी सम्मान भी मिलता है, लंबी उम्र वाले होते हैं, लेकिन इनको मेंटल टेंशन्स रहते हैं जिसके कारण उनको थोड़ा अपने को शांत रखना चाहिए, नहीं तो उनको ब्रेन फीवर या इस टाइप की बीमारी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि बुध का आपके पाँचवें से आठवें घर के बीच में अगर हो किसी भी घर में तो उसका जातकों पर क्या असर होता है। आपको अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से संबंधित अपने प्रेडिक्शंस जानने हैं अपने कुंडली के बारे में या अपने जानकारों के या परिवार के बारे में, या अगर आप वैदिक ज्योतिष से संबंधित जो ग्रह दोष हैं या इस टाइप कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है उसके आप उपाय जानना चाहते हैं, आप अपने किसी कुंडली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मुझे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अनूठी को देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।